लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। धर्मपेट जोन अंतर्गत काटोल रोड पर अवैध शेड पर कार्रवाई। कल होगा भाजपा का कामकाज आंदोलन। तीसरे माले से कूदकर आत्महत्या। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धर्मपेट जोन अंतर्गत काटोल रोड पर अवैध शेड पर कार्रवाई। गुरुवार की दोपहर धर्मपेट जोन अंतर्गत काटोल रोड पर कुछ दुकानदारों में उस समय खलबली मच गई जब लंबे समय के बाद अचानक पहुंचे महानगर पालिका के प्रवर्तन विभाग ने दुकानों के बाहर फुटपाथ तक बने अवैध रोड पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि काटोल रोड पर हर समय कार्रवाई करते वक्त जमकर विरोध होता है। इसकी भली भांति जानकारी होने से गुरुवार को दस्ता दल बल के साथ पहुंच गया। पुख्ता पुलिस बंदोबस्त होने से अतिक्रमणकारियों ने पहले हल्का विरोध तो किया, किंतु बुलडोजर की कार्रवाई शुरू रहने के कारण दुकानदारों ने केवल सामान बचाने में अपने कर्मचारियों को लगा दिया। इसी बीच दस्ते ने एक के बाद एक पास शेड पर बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिए। इसी तरह दस्ते ने सड़क के दोनों ओर के फुटपाथों पर लगभग 30 अतिक्रमण का सफाया किया। तो वहीं दूसरी ओर कल होगा भाजपा का चक्का जाम आंदोलन। ओबीसी समाज को राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए भाजपा की ओर से 26 जून को चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। शहर अध्यक्ष व विधायक प्रवीण दाटके ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में विकास गवली विरुद्ध राज्य सरकार के मामले में जो फैसला आया उससे राज्य में जीप पंस नप ग्राप आदि स्थानीय निकाय स्थानों में आरक्षण स्थगित कर दिया गया है, जिसका परिणाम ओबीसी वर्ग की 58,000 सीटों पर होगा। यह माविया सरकार का पाप है, उसने अदालत में जानबूझकर ओबीसी के पक्ष में मजबूती से बात नहीं रखी। ओबीसी आयोग का गठन 15 महीनों तक नहीं किया। यह सरकार ओबीसी समाज को राजनीतिक हक से वंचित कर रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं तीसरी ओर तीसरे मंजिल से कूदकर आत्महत्या। राणा प्रताप थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने इमारत के तीसरे माले से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक के एसएल अपार्टमेंट पांडे लेआउट निवासी एल्विस आलिया फर्नांडिस बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार 18 जून को एल्विस ने अपार्टमेंट के तीसरे माले से नीचे छलांग लगा दी। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 जून की सुबह उसकी मौत हो गई। पहले सीतामढ़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। घटनास्थल पांडे लेआउट होने के कारण प्रकरण राणा प्रताप पुलिस को भेजा गया। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने एल्विस के रिश्तेदार सारा धंधर की शिकायत पर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।